आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, मैं हूं आपके साथ खुशबू सांगवी। बिहार विधानसभा चुनाव में वार पलटवार का दौर जारी है। बीते दिन पीएम मोदी ने अपनी चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि बिहार में जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव हैं, जिसके बाद अब तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी कुछ भी बोल सकते हैं, ये उनका अधिकार है, लेकिन पीएम मोदी बेरोजगारी के मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछले बार पीएम मोदी ने नीतीश कुमार के 35 घोटाले को गिनवाए थे, लेकिन इस बार एक भी घोटाले को उन्होंने नहीं गिनवाया है, जबकि 25 घोटाले थे। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता पीएम मोदी को सुनना चाहते थे कि वो बेरोजगारी पर बात करें, बिहार में जो पलायन हो रही है उस पर बात करें, लेकिन ऐसी कोई बात पीएम मोदी ने अपनी चुनावी जनसभा में नहीं की थी। आप कल्पना कर सकते हैं, एक तरफ महामारी हो और साथ ही जंगल राज वाले राज करने आ जाएं, तो ये बिहार के लोगों पर दोहरी तरफ की मार हो जाएगी, दोहरी तरफ की। सोचिए, कोरोना से लड़ाई के लिए जो इतनी राशि खर्च की जा रही है, कोरोना से लड़ने के लिए खास तौर पर जो योजनाएं शुरू की गई हैं, आप सोच सकते हैं अगर ऐसी टोली आई तो इन पैसों का होगा क्या। साथियों, जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज बिहार की जनता की, और मैं मानता हूं ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। इसके साथ तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट भी किया है, जिसमें पहले चरण के मतदान को लेकर उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता को वो कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतना स्नेह और जन समर्थन दिया। इस बार के चुनाव में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर उन्होंने वोट दिया है, इसके लिए वो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं बिहार की जनता को कि इस बार के चुनाव में बिहार की जनता ने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर वोट डाला है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन न्यूज के साथ। नमस्कार।